पुनर्प्रतिष्ठा हुई धर्म की, घोषित हुआ हिंद विश्वराज। माता का मस्तक गर्वित था जब वीर शिवा ने पहना ताज। हिंदू साम्राज्य दिवस की आप सभी सनातनियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन वीर शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था और छत्रपति शिवाजी महाराज ने हर धर्मद्रोही, हर राष्ट्रद्रोही को उसकी सही औकात दिखाई थी। शिवाजी महाराज ने गौ रक्षा के लिए बहुत कुछ किया। शिवाजी महाराज ने एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना की, परंतु दुर्भाग्य कि अब हम उनके ही वंशज इस हिंदू स्वराज्य को संभाल नहीं पा रहे हैं, उसे बचा नहीं पा रहे हैं। अनेकों समस्याएं हैं, चाहे गौवध की हो, चाहे लव जिहाद हो या धर्मांतरण की हो, इन सारी समस्याओं से हम लड़ नहीं पा रहे। हम केवल और केवल शिवाजी महाराज की जयंती मना लेने, उनकी पुण्यतिथि मना लेने या शिवराज्याभिषेक दिन मना लेने से शिवाजी महाराज को खुशी नहीं होगी। उन्हें खुशी तब होगी जब हम उनके सपने को बनाए रखेंगे। जी हाँ, जब हम हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाए रखेंगे, हिंदू साम्राज्य को उसी प्रकार बनाए रखेंगे जैसे शिवाजी महाराज ने चाहा था, तब शिवाजी महाराज को खुशी होगी। और हम जो उनके वंशज हैं, हमारी धमनियों में भी उनका रक्त बह रहा है। फिर क्यों हम हमारे धर्म की रक्षा नहीं कर पा रहे? हम हमारे बच्चों को धर्म संस्कार नहीं दे पा रहे? क्यों हम गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे? क्यों हम हमारे धर्म ध्वज को प्रतिष्ठित नहीं कर पा रहे? और क्यों आज उन मुगलों की संतानें हमारे ऊपर इतनी हावी हो रही हैं कि हमें घरों से पलायन करना पड़ रहा है? ये सारी समस्याएँ तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक हम वीर शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धाओं, धर्म रक्षकों का अनुसरण करते हुए उनके मार्ग पर नहीं चलेंगे और धर्म रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होकर संकल्प नहीं लेंगे। इसलिए आइए इस महान दिवस पर हम संकल्प लें और महान शिवाजी महाराज के हिंदू साम्राज्य के उस स्वप्न को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ अपने धर्म के लिए, धर्म के साथ आगे